सर, जैसा कि जो सेमिनार का आयोजन हुआ है और मुझे मौका मिला है बोलने का उसके लिए, तो सबसे पहले जो टॉपिक है, जो टॉपिक आपके सामने लिखा भी होगा और मेरे हिसाब से कल से इसी टॉपिक पे लगभग डिबेट भी हो रहा है, आप लोग सुनते भी जा रहे हैं। इस टॉपिक का जो सबसे अहम मकसद है कि एजुकेशन के क्षेत्र पे जेंडर इनइक्विटी क्यों, तो इसके परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने जनपद से करते हैं, जिस जनपद में हम सिराज हिंद। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे सक्स रेशियो देखे तो 1024 है, उत्तर प्रदेश का देखते हैं तो 908 है, और प्रदेश के अनुकूल में अगर हम देखते हैं तो हरियाणा ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पे 877 है, जबकि केरला को देखते हैं 1084 है। तो यह टॉपिक अपने आप यह बताता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल में क्या ऐसा अंतर है कि वहाँ पे सक्स रेशियो लिंगानुपात में इतना ज्यादा अंतर होता है। मतलब एक बात अपने आप यह स्पष्ट करती है कि हम यदि साक्षरता दर को या साक्षरता को यदि हम बढ़ाएं तो शायद आज जौनपुर जनपद में 1024 लिंगानुपात होने के बाद यदि इतनी जागरूकता है कि हम महिला इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं तो शायद यह संदेश समूचे भारत में फैलेगा। और वास्तव में जिसका उद्देश्य माननीय मोदी जी ने हरियाणा में पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का सौगात लेकर आए, वही सौगात का एक छोटा सा उदाहरण अपने सिराज हिंद जौनपुर जनपद का टीडी कॉलेज का सेमिनार उसका छोटा सा एक झलक हमें दिखाता है, क्योंकि उनका भी उद्देश्य यही था। उनका उद्देश्य हरियाणा के पानीपत से शुरू करने के लिए था कि जब इतना कम लिंगानुपात में साक्षी मलिक जैसे महिला ओलंपिक से पदक जीत कर लाती हैं, जो पुरुषों को मुंह दिखाती हैं, इस तरह से मुंह दिखाने का तात्पर्य एक नए मुहावरा का प्रयोग किया, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें साक्षरता दर को बढ़ावा देने के साथ साथ हमें जागरूकता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और आज सेमिनार का जो आयोजन हुआ है उसका सबसे प्रमुख जो कारण था वो यह था आपके बीच जागरूकता लाना, और जब तक जागरूकता नहीं लाएंगे इसी तरह के सेमिनार होते रहेंगे, भविष्य में होंगे, और उससे लिंग अनुपात पे जिस पे ये डिबेट हो रहा है ये मात्र कागजों पर रह जाएगा, जैसा कि सर ने भी कुछ सेकंड पहले एक डेमो आपको दिखाया, तो ये डेमो हमेशा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे, और वर्तमान में ये जागरूकता का ही फल है कि आज आप बैठे हैं और इस एजुकेशन के फील्ड में आप समानता की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी कारण जागरूकता और एजुकेशन है। लगातार जब से आप जानने लायक हुए हैं, एजुकेशन फील्ड में आए हैं, तब से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन के फील्ड में बराबरी का दर्जा मिलता जा रहा है, और बराबरी का दर्जा तब तक मिलेगा जब तक आप जागरूक रहेंगे, शिक्षित रहेंगे और शिक्षा को बढ़ावा देंगे। लेकिन हर चीज की लिमिटेशन होती है, हद से ज्यादा भोजन भी करेंगे तो भी पेट के लिए खराब हो जाएगा, इसलिए हम अति पे न जाए तो जाए ज्यादा बेहतर होगा। एक साइंस का एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसा ये कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वर्तमान समय में सदृश को देखते हुए इस लिंगानुपात के क्रम को देखते हुए इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वर्तमान समय की तरह अगर इस पहलू को बरकरार रखा जाए तो लिंगानुपात जरूर सुधार होगा, क्योंकि उसकी सबसे छोटी पहल आपके प्रदेश के जौनपुर जनपद से शुरू हुई, और यहाँ पे समस्त सम्मानित गण, अतिथिगण और अन्य जनपद से आए हुए सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से सहृदय धन्यवाद। जय हिंद।